कितना यमी। नमस्कार दोस्तों, तो आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल पंजाब के खेतों से लेके आई हूँ। और पंजाब के खेतों में क्या होता है आपको पता ही है, सबसे जो शानदार चीज होती है वो होती है सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो मक्के की रोटी तो आज नहीं है, पर सरसों का साग है। और इस सरसों के साग का आप लोग खूब आनंद उठाइएगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और नए आए हैं तो बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। बड़ा सा घंटी होता है दोस्तों, साफ दिखता है जब सब्सक्राइब आप करते हैं, तो एक बड़ा सा घंटी नीचे होता है, उसको जरूर दबाया करें। तो आपको मेरी रेसिपी दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। तो इसलिए आप लोग बेल आइकॉन को जरूर दबा के रखिए, तभी आपको मेरी कोई भी रेसिपी दिखेगी। नहीं तो आपको ऐसे होगा कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर इस चैनल को आप भूल जाएंगे, फिर आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज नहीं मिलेंगी। तो चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए जो सरसों का साग बनाई हूँ ना, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में, थोड़ा बहुत मैंने अपना भी तड़का दिया है और इसको स्वादिष्ट बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग भी ऐसे बनाइए, खाइए। और बनाएंगे कैसे, पहले मैं चलिए आपको बनाने का तरीका तो दिखा दूं अपने किचन में, पिंकीज किचन में। चलिए चलते हैं। तो अभी आज की जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वह है सरसों का साग, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। पंजाब से लेके आई हूँ, पंजाब के खेतों से लेके आई हूँ। बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे तीन तरह के साग लिए हैं, ये पालक, ये बथुआ और ये सरसों। तो सरसों मैंने यहाँ पे 1 किलो लिया है, पालक 250 ग्राम और बथुआ भी 250 ग्राम। बथुआ 1 किलो पालक, 250 ग्राम बथुआ और 250 ग्राम पालक काट वाट के रख लिया है, धो भी लिया है। इसके साथ जो हमें और सामग्री चाहिए वो है, तो हमें इसके साथ जो सामग्री चाहिए वो है हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च रखी है, आपकी मर्जी है, आप थोड़ी ज्यादा भी कम कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अदरक थोड़ा सा ज्यादा है, 1 इंच से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। 2 टमाटर और 1 प्याज। वैसे अगर आपको मन हो तो लहसुन भी डाल सकते हैं, कई लोग लहसुन भी डालते हैं, शहरों में तो लहसुन भी डालते हैं, पर गांव में अक्सर हम बिना लहसुन के बनाते हैं और बिना प्याज के। तो आप चाहे तो बिना प्याज लहसुन के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेस्टी चाहिए तो आप ये सब सारी चीजें डाल दें तो और भी टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले मैं एक कुकर लेती हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक कुकर, और बड़ा सा कुकर लिया है मैंने। तो सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी पालक, पर मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर जैसे ये थोड़ा सा गलेगा, इसके ऊपर से फिर मैं जो भी बचा हुआ साग है वो डालती जाऊंगी। तो इसमें अब जाएगा हल्दी, हल्दी हम पहले ही डालेंगे, और नमक, नमक ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे। अभी आधा नमक डालेंगे, हाफ स्पून फिर बाद में डालेंगे, मतलब 1 स्पून अभी डाला है साग की मात्रा के हिसाब से, और जब बाद में हम इसको फ्राई करेंगे तब तो फिर नमक डालेंगे। और बाकी अदरक का टुकड़ा मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। तो इसमें हम डालते हैं अब अदरक, साग थोड़ा सा गल गया तो मैंने ऊपर से भी जो बचा हुआ साग था वो डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा अदरक डाल दिया, और इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि साग का अपना भी पानी होता है तो काफी सारा पानी निकल जाएगा, और नमक भी मैंने डाल दिया है तो ये हो सकता है कि ज्यादा पानी हो जाए। बस इसे हमें अब 1 या 2 सीटी, क्योंकि साग काफी सॉफ्ट है तो 2 सीटी में 2-3 सीटी में हो जाना चाहिए, बस धीमी आंच पे इसे चढ़ा दें और 5 से 7 मिनट के लिए इसे सीटी लगा दें। तो चलिए, हमारा साग अब हो चुका है, इसे मैंने कम से कम 6-7 सीटी लगाई है, जल्दी जल्दी सीटी आ गया था तो ये कम से कम 6-7 सीटी इसमें मैंने लगा दी है। और खोल के देखते हैं कि कितना बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना गल के हो गया, काफी कम हो गया है। तो इस मथनी से मथ देंगे,
वैसे इतना गल चुका है कि इसको मलने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए, और इसमें डालूंगी मैं घी। आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी में जो मजा है वो सरसों के तेल में नहीं आएगा, क्योंकि पंजाब में लोग घी में ज्यादातर सब्जियां बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज के भूनने लायक घी डाल रही हूँ, जिससे कि प्याज अच्छी तरीके से भून जाए। और इसमें डालूंगी मैं ढेर सारा मेथी के दाने। सरसों के साग में जब तक आप मेथी के दाने नहीं डालो तो मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए। और थोड़ा सा आँच को हम धीमा कर दें। मैं डालूंगी प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च जो हमने पहले ही दिखाया थे आप लोगों को, 3 से 4 हरी मिर्च, और इसे हम हल्का भूरा होने तक भून लेंगे। पारंपरिक जो साग बनते हैं उसमें प्याज लहसुन लोग कम डालते हैं और टमाटर डाल के बनाते हैं। टमाटर भी मतलब बहुत कम लोग डालते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो अब तो नए तरीके से बनने लगी है सब्जियाँ, चाहे गांव हो या देहात हो, तो उसमें प्याज टमाटर लहसुन सब डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लहसुन नहीं डाला है, आपकी मर्जी है। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, आपके स्वाद के ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे लहसुन नहीं डाला। तो हमारा प्याज अब थोड़ा थोड़ा लाल हो चुका है, इसे हम साइड कर लेते हैं। और एक साइड में डालते हैं टमाटर, जिससे कि एक साथ ही सारा पक जाए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि साग में हमने पहले ही नमक डाला हुआ है, तो पूरा है उसके लिए। बस टमाटर प्याज के हिसाब से मैंने यहाँ पे नमक डाला है। और इसे अच्छी तरह से इसको पहले हम गलाएंगे, क्योंकि खूब मिक्स होगा, क्योंकि साग भी हमने अच्छी तरह से मिक्स किया हुआ है। तो टमाटर प्याज को भी अच्छे तरीके से बिल्कुल ही पतला कर लेना है। तो ये हमारा मसाला देखिए पक चुका है, और इसे मैंने बिल्कुल ही ऐसे दबा दबा के इसको मिक्स कर दिया है। बस होने ही वाला है ये। तो ये मसाला तो हमारा भून चुका है, अब हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे सरसों का साग। दोस्तों एक बात बता दूं, कई लोग इसे ग्राइंडर में भी इसको पीस लेते हैं, जिससे कि और भी पतला हो जाता है, पर वो खाने में उतना टेस्टी नहीं लगता। तो इसीलिए कोशिश करें इसी तरीके से बनाने की, जिससे कि थोड़ा सा टेक्सचर जो मतलब इसका जो स्वाद है ना, वो आपके मुंह में अच्छे से जाएगा। वैसे पीस देने से ऐसे बिल्कुल पीसा हुआ मसाला लगता है वो। वैसे आपकी मर्जी है, आप पीसना चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, पर ये भी कुछ अलग ही स्वाद देगा आपको। अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे हम, जरा सा। और हमने 1 चम्मच बेसन में 1 कटोरी पानी मिला के इसे मिक्स कर लिया, और इस पानी को हम डालेंगे धीरे धीरे इसके साग के अंदर, और इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे। पकेगा अभी, इसको चलाते रहे, नहीं तो ये नीचे से आटा इसका जो है वो पकड़ सकता है कढ़ाई को। तो इसको धीरे धीरे करके चलाते रहे। तो ये अब हमारा साग तैयार हो चुका है, अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल ही तैयार हो गया, मैंने गैस को भी ऑफ कर दिया। अब इसमें हम लगाएंगे एक ऊपर का तड़का, जो कि सबसे जरूरी। थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल डाल रही हूँ। बस हमें तड़का लगाने के लिए चाहिए। और यहाँ पर मैं डालूंगी ये लाल मिर्च, इसको आप तोड़ के भी डाल सकते हैं इस तरीके से। एक तेज पत्ता, और लौंग डाल रही हूँ मैं 2 से 4, क्योंकि लौंग वैसे डलता नहीं है, पर मैं अपनी तरफ से डाल रही हूँ।
तो आपकी मर्जी, आपको डालना है तो डालिए, वैसे स्वाद इससे अच्छा आ जाता है। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा, ज्यादा नहीं। और इन सबको पहले हम जला लेंगे। ये थोड़ा सा हींग, कई लोग स्टार्टिंग में ही डाल देते हैं हींग, उससे ना खाने में स्वाद इतना नहीं आता जितना कि आप इस तरह से डालेंगे, तो आपके खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद लाएगा हींग। और इसमें एक सबसे जरूरी चीज जाएगी, अभी ये फ्राइंग पैन गर्म ही है, ज्यादा ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा सा और इसको ठंडा करके फिर हम इसमें डालेंगे जरा सा लाल मिर्च पाउडर। इससे रंग बहुत अच्छा आता है सरसों के साग का, तो इसलिए हम यहाँ पे ये डाल रहे हैं। तो चलिए इसको सजाने के लिए थोड़ा सा हम लेंगे धनिया पत्ता, और इसमें डालेंगे हम घी भी डाल सकते हैं और बटर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बटर डाल रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। वैसे बटर से थोड़ा सा और ये स्वादिष्ट लगता है और खाने में भी जरूर स्वादिष्ट होगी। नमक हमने दोबारा से नहीं डाला, आपकी मर्जी है, नमक चख के जरूर देख लें कि नमक कितना जरूरी है। मैंने, मेरा जो बना है ये सब्जी उसमें नमक बिल्कुल नहीं चाहिए था, तो मैंने नमक नहीं डाला। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा।